भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे थे। ये इसमें आपकी तीसरी वीडियो है। हम ईवीएस कंटेंट से 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। ईवीएस पेडागोजी के 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लेंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जहां पर ये 100 जो क्वेश्चन है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सरकारी अध्यापक चैनल की ये प्लेलिस्ट है। ये आप यहां पर देख रहे हो ना, ये ईवीएस टॉप 50 एमसीक्यू, इसको ये ईवीएस के कंटेंट के टॉप 50 हैं। इसमें हम ईवीएस पेडागोजी के भी टॉप 50 ऐड कर देंगे। इसके अलावा ये देखिए, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा कोर्स है सीडीपी के लिए, सॉरी सीटेट परीक्षा के लिए। इसके अलावा आप इंग्लिश पेडागोजी का कोर्स भी कर सकते हो। ये आपकी स्टेट टीईटी के लिए सीडीपी का कंप्लीट कोर्स है। ये आपके एनसीईआरटी के ईवीएस के कोर्स हैं। तो कई सारे कोर्सेज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बराबर में जो बेल आइकॉन आता है उसको ऑल पर सेट कर लेना है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये एक चैप्टर है मूल्यांकन, जो आप पढ़ते हो ना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो वही मूल्यांकन वाला चैप्टर है। सीटेट परीक्षा, सीटेट में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध होता है, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर में आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। जो मूल्यांकन है कभी भी एक शिक्षक कभी भी एक शिक्षार्थी का नहीं होता है। आप याद रखेंगे, टीचर का और स्टूडेंट का दोनों का मूल्यांकन होता है। यहां पर मूल्यांकन अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, तो बिल्कुल सही बात है। और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको आप सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन कहते हो, जिसका शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध बिल्कुल होता है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से बच्चे का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा, जिसमें बच्चों का आकलन योजनाबद्ध और पारदर्शी होता है। पहला ऑप्शन है गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, या फिर आवधिक परीक्षाएं। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पूरी ईवीएस में। पोर्टफोलियो अपने आप में बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट होता है। पोर्टफोलियो आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आंख बंद करके आंसर लगा देना कि यही आंसर होता है। पोर्टफोलियो में पूरा बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, किस गति से सीख रहा है, जब उसने एडमिशन लिया था तब कितना जानता था, अब कितना जानता है, क्या उसकी रुचियां हैं, क्या चीजें उसको पसंद हैं, क्या पसंद नहीं है, तो सारी चीजें पोर्टफोलियो में होती है। तो पोर्टफोलियो से सबसे बेहतर तरीके से बच्चे का मूल्यांकन हो सकता है। चलिए, एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है। यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। आकलन दो तरह का होता है, एक होता है रूपात्मक आकलन और दूसरा होता है योगात्मक आकलन। जो आपका रूपात्मक आकलन है इसको ही रचनात्मक आकलन और कहते हैं, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, रूपात्मक और रचनात्मक आकलन एक ही है। अब रचनात्मक या फिर रूपात्मक आकलन में होता क्या है कि जो भी टीचर होता है विद्यार्थियों को तुरंत पढ़ाने के बाद उसका फीडबैक लेता है, और जो मैंने आपको दूसरा आकलन बताया था योगात्मक आकलन, वो एकदम सत्र के अंत में बच्चों का योगात्मक आकलन किया जाता है ना। तो योगात्मक आकलन सत्र के अंत में होता है, रचनात्मक या फिर रूपात्मक आकलन बच्चों को पढ़ाते समय पढ़ाने के बाद उसका फीडबैक लेना, उसको कहते हैं रूपात्मक आकलन। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाओं का महत्व है, यानी कि जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो क्यों ली जाती हैं, बच्चे के व्यवहार की जांच करने के लिए, बच्चों में सृजनात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए, बच्चों की रचना क्षमता की जांच करने के लिए, या फिर ये सभी। देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है,
मूल्यांकन जो किया जाता है, मूल्यांकन के लिए जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं बच्चे की ली जाती हैं उसके व्यवहार की जांच करी जाती है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसकी जो रचना क्षमता है उसका भी जांच की जाती है ना। तो प्रयोगात्मक परीक्षाएं इसलिए ली जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है, तो मानचित्र जो है, जो मैप पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें कौन सा कौशल शामिल है? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और घटनाओं का उपयोग करने की योग्यता। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? जो मानचित्र बच्चों को मैपिंग पढ़ाई जाती है उससे किस कौशल का विकास होता है, ये भी हम कह सकते हैं। अब देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई भी स्थान है, कोई भी दिशा है, उसकी दूरी और सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए ही हम मानचित्र पढ़ते हैं। कोई भी दिशा है, किस तरफ है, कोई देश के किसी दूसरे देश से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, सारी चीज़ें हमें सापेक्ष स्थिति का पता लग जाता है। किससे? मानचित्र से। मानचित्र से इस कौशल का विकास होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो, टेलीविजन। ऐसी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे बच्चों को पुनर्बलन प्राप्त होगा? पुनर्बलन, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो, टेलीविजन। देखिए इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। जो कंप्यूटर है, बच्चे कंप्यूटर चलाएंगे, उनसे बच्चों को पुनर्बलन यानी कि रीएनफोर्समेंट मिलता है। कैसे मिलता है? कोई भी उनकी समस्या है वो सीधा कंप्यूटर पर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कोई भी प्रश्न है कंप्यूटर पर उसका आंसर देखेंगे, तो उनको क्या है, पुनर्बलन मिलेगा, फिर दोबारा से वो उस काम में लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चार्ट पेपर से कोई ऐसा खास पुनर्बलन या फिर रेडियो टेलीविजन से नहीं मिलेगा। कंप्यूटर सारी समस्याओं का हल कर सकता है और जैसे उनकी समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी उनको पुनर्बलन मिलता जाएगा। तो 26 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि यह है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग, शिक्षकों को आराम उपलब्ध कराते हैं यानी कि शिक्षकों को आराम मिल जाए इसलिए कोई शारीरिक गतिविधियां करवा रहा है शिक्षक, तो ये तो गलत है। प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए या फिर शिक्षकों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराने के लिए। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियां, तो श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों से क्या होता है, जो बच्चे की अधिकतम इंद्रियां हैं उनका उपयोग हो सके, और इंद्रियों के उपयोग पर ही डिपेंड करती थी आपकी मोंटेसरी विधि। ये सारी जो विधियां हैं किस लिए होती हैं, बच्चे की जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय हो सके, सक्रिय रूप से कार्य कर सके, उनका उपयोग हो सके, इसी वजह से श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। 27 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हैं, या फिर यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का तर्क आधार क्या है, तो इससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, इस वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग ही इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी बच्चे की जो इंद्रियां हैं वो हो सकें, और या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है कि अध्यापन अधिगम जो प्रक्रिया है वो इसे सुगम बन जाती है ना। तो दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं। 28 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, जो भी श्रव्य दृश्य सामग्री है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनका प्रयोग कब किया जाना चाहिए, जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में न लाया जा सके, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक देखा ना जा सके, जब दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो, उपरोक्त सभी। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि कक्षा में न लाया जा सके, बच्चे को आप हाथी के बारे में पढ़ा रहे हो
तो हाथी को कक्षा में ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप सर्वदेशर सामग्री का उपयोग कर सकते हो। जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक न देखा जा सके, किसी भी मान लीजिए बैक्टीरिया या फिर वायरस के बारे में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वो उसको तो देखा नहीं जा सकता, तो उसको क्या है श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से उसको दिखा सकते हो। सारे ही ऑप्शन सही हैं। जब दूर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में बताना हो तो भी आप श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। 29 वाले का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आपके लिए है और इसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बालकों में निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, रेडियो, वास्तविक पदार्थ या फिर टेलीविजन। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताएंगे आप। 30 वाले का जो आंसर है वो नीचे कमेंट्स करके आप बताएंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। इसके अगली वीडियो में आपके 10 प्रश्न, उसके बाद 10 प्रश्न और बचेंगे, फिर आपको ये 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ईवीएस कंटेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस और ईवीएस पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।